Hello everyone, welcome back to the session. I'm your near and dear Meenakshi ma'am, once again back with another Mahapol. So in this video actually I'm going to ask 20 MCQs. There will be some MCQs from the lesson, my favorite lesson, the last lesson, and again there are going to be some MCQs from the lesson third level. Let's very quickly get started. I don't want to waste any of your time. बट उससे पहले मैं बता दूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर भी कर लेना वीडियो, ठीक है? डू शेयर योर रिस्पॉन्सेज, योर आंसर्स इन द कमेंट. ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप हर एक का मैं आंसर्स चेक करूँ और उनका रिप्लाई दूँ. सो दैट आई विल बी डूइंग. आपको अपना काम करना है, मैं अपना काम करूँगी, ठीक है? लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड. जिन बच्चों के पास कम टाइम है, एग्जाम के बिल्कुल पास में देख रहे हो, जल्दी से रिकैप लेना है स्टोरी, मतलब एमसीक्यूज के हेल्प से. सो यू कैन डू वन थिंग, आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो वीडियो की और फटाफट आंसर्स कर सकते हो कमेंट में, ठीक है? लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड. सो पहला क्वेश्चन आता है लास्ट लेसन से. क्वेश्चन है, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एलसेस. एलसेस के लोग क्या चीज फॉर ग्रांट कर रहे थे, मतलब किस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे या उसको जो वैल्यू देनी चाहिए वो दे नहीं रहे थे, ठीक है? टीचर्स ऑफ द स्कूल्स, टाइम इन स्कूल, पीपल अराउंड या मनी एंड पावर. ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, चीटिंग मत करना, खुद आंसर करना, बट डेफिनेटली ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं अगर आपने लेसन ढंग से नहीं पढ़ा है. अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो पॉज द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे जाओ, मैंने डिटेल लेसन एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ पे वीडियो देखो, समझो, फिर आओ और एमसीक्यूज करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? दैट इज ऑल्सो वन शॉट, मतलब जल्दी से 10 to 15 minutes में आपको लेसन रिकैप मिल जाएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. आई एम एक्चुअली होपिंग कि आप सारे अपने आंसर्स कमेंट में टाइप करके शेयर कर दोगे, ठीक है? तो वो अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी, फोकस करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कवर कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलसेस एंड लॉरेंज. अब ये तो पता है कि ऑर्डर आया था एलसेस और लॉरेंज डिस्ट्रिक्ट के लिए, बट आया कहाँ से था वो आपको मेंशन करना है. फ्रांस से ही आया था, लॉरेंस से आया था, बर्लिन से आया था या जर्मनी से आया था. डन. नेक्स्ट वन, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. अब फ्रांस था एक बहुत ही आलसी बच्चा, बहुत ही ज्यादा, मतलब जिद्दी, आलसी, आलस्य से भरा हुआ, ठीक है? सो आपको बताना है कि वो क्यों इतना रिलक्टेंट था. ऑप्शन ए, वॉन्टेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट. ऑप्शन बी, वॉन्टेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल. ऑप्शन बी, वॉन्टेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल. ऑप्शन सी, वॉन्टेड टू एंजॉय आउटडोर. एंड ऑप्शन नंबर डी, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. एक और बात बता दूँ बच्चों आपको, इस वीडियो को जैसे आप रिस्पेक्ट दोगे लाइक, कमेंट और शेयर करके, उसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए अपलोड करूँगी वो होगी कंप्लीट. एक तरह से एक वीडियो, 1.5 hour लगे या 2 hour लगे, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे लिटरेचर के लेसन्स क्लास ट्वेल्थ के लिए फटाफट एक मस्त सी समरी वाले पॉइंट्स के साथ रिकैप दे दूंगी. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार, तारीफें कर देना, ठीक है? लाइक कर देना और वो सब जो ज़रूरी होता है वो कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही ला सकूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट लिटरेचर का एक रिकैप दे दूं अच्छी से पॉइंट्स ऑफ समरी के साथ. अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज. फ्रांस क्यों सरप्राइज था? विलेज एल्डर्स को देख के सरप्राइज था, पुलिस की पेट्रोलिंग को देख के सरप्राइज था, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देख के सरप्राइज था, और बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर. सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ और सबसे पहली सरप्राइजिंग चीज़ फ्रांस के लिए क्या थी वो आपको बताना है. नेक्स्ट वन, हुम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल. एम हैमल ने किसे ब्लेम किया था, किसको ब्लेम किया था बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए? पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को या वॉचमैन को? बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, तो कर देना सही, ठीक है? नेक्स्ट वन, कमेंट में आंसर करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगी आपके ये सारे करेक्ट हैं या ये सारे ये इनकरेक्ट हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक एग्जामिनेशन हो पाएगी, ठीक है, आपके रिस्पॉन्सेज की. नेक्स्ट वन, व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकिनेस. ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या, मतलब बहुत कौन सी शुभ घड़ी आई, ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली फ्रांस के साथ जो वो एम हैमल के गुस्से को, उनके रूलर को, उनके क्रैंकिनेस को सब भूल गया?
पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से, स्ट्रेंज क्वाइटनेस की वजह से, बसल ऑन द स्ट्रीट जो थी, वो जो हल्ला मचा हुआ था स्ट्रीट में उसकी वजह से, या जो आइडिया था कि एम हमिल जा रहे हैं उसकी वजह से? लेट मी नो द आंसर. नेक्स्ट वन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कहाँ भेजा था, कहाँ भेजते थे? स्कूल नहीं भेजते थे तो कहाँ भेजते थे? स्कूल, कोचिंग, फार्म एंड मिल्स और मूवीज? मूवीज इज अ गुड आइडिया है. पेरेंट्स मतलब भेज देंगे बच्चों को ऐसे मूवीज के लिए, कुछ भी. नेक्स्ट वन, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमिल इन द स्कूल? क्यों आए थे विलेजर्स एम हैमिल से मिलने के लिए स्कूल में, कंप्लेन करने के लिए बच्चों के बारे में, गुड बाय बोलने के लिए, गॉसिप करने के लिए, या ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए? ऑप्शन, दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट लेट्स सी किसने ध्यान से पढ़ा है लेसन. नेक्स्ट वन, वॉट फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस ऐसा कौन सा टॉपिक था या पढ़ाई थी जो उसे प्रिपेयर करके जाना था, पढ़ाई या कुछ और? ऑप्शन ए सॉन्ग, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन सी ऐसे राइटिंग, और ऑप्शन नंबर डी पार्टिसिपल्स. नेक्स्ट वन, वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजल दैट डे? ऐसी क्या अनयूजल चीज़ थी जो फ्रांस ने नोटिस करी उस दिन? ऑप्शन ए स्ट्रेंज क्वाइटनेस, ऑप्शन बी सोल्जर्स इन द स्कूल, ऑप्शन सी क्राउड, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. ओके वंडरफुल, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ये आ जाता है हमारा दूसरा फेवरेट लेसन, थर्ड लेवल. थोड़ा सा इलॉजिकल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा हॉरर काइंड ऑफ. अगर आप लेसन ध्यान से पढ़ो, स्टोरी के मिडल में थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या, ये कैसे हुआ, ठीक है? सो प्लीज़ रीड द स्टोरी केयरफुली और फिर आंसर करना. कंप्लीट सेशन जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सारे लेसन्स की आपको मैं समरी अच्छे से पढ़ा दूंगी, उसके लिए भी मुझे बता देना. मतलब हल्ला मचा दो कमेंट में, मैम पढ़ाओ, मैम पढ़ाओ, मैम 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 को वीडियो लानी पड़ेगी. नेक्स्ट वन, व्हाट सिग्निफिकेंट डेट वॉज मैंशन इन द लेसन? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, सिग्निफिकेंट डेट है जो लेसन में मैंशन है? जुलाई 1879, जून 1896, 1894, या नन ऑफ द अबव. थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन? क्या ये सच है? यस यस, देर वर थ्री लेवल्स. नो, देर वर ओनली टू लेवल्स एट द स्टेशन, नॉट नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट वन, व्हाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? नरेटर को ये थर्ड लेवल क्यों दिखाई दे रहा था? एज अ विश टू विजिट गेल्सबर्ग, वॉन्टेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, वॉन्टेड टू मेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंगजाइटी. एंगजाइटी का मतलब आई होप आप सबको पता हो. नेक्स्ट वन, वॉट डज साइकाइट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? साइकाइट्रिस्ट जो था, चार्ली का जो फ्रेंड था, उसने क्या बताया था? थर्ड लेवल इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग. ये जो स्टोरी के लास्ट में ट्विस्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है. थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन्ड, और ऑप्शन नंबर डी थर्ड लेवल इज रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट वन, हाउ डिड चार्ली रीच थर्ड लेवल? चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा? फैंटेसी, ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन अ बस, in a super fast train, in jetways, or in a escalator. Next question, what was the strangest thing at the third level? सबसे ज़्यादा strange thing क्या थी third level में? Beard थी वहाँ पे लोगों की, mustaches थी, मूछें थी, dresses उनकी बहुत ज़्यादा weird थी, या वो corridor जो past में लेके जाता था वो weird था? सोचे समझे and answer करें. Next one, what did Charlie find his stamp collection? What did Charlie find in his stamp collection? Old address उसे मिले, hairstyles मिले, old letters मिले, या first day cover मिला? What was the strangest thing at the third level? Yeah, sorry, this question is repeated. Yeah, next one. Whose signature were there on the letter? वो जो letter मिला Charlie को, वो उस पर किसके सिग्नेचर थे? चार्ली के टीचर के, चार्ली की फ्रेंड के, सैम के, या नन ऑफ द अबव? सो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एमसीक्यू से बेस्ड ही. सो जब आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, चार ऑप्शन हैं, कभी कभार ऐसा होता है आपको लगता है यार ये दोनों ऑप्शन ही तो सेम बात कर रहे हैं,
तो इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट कैसे ढूंढें? सो उस केस में हमेशा याद रखो, जो आंसर ज्यादा स्पेसिफिक हो, ज्यादा डिटेल दे रहा हो, उसके साथ हम मूव करेंगे, ठीक है? सो ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? लेटर को अगर हमने स्टोरी में समझा हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग सैम किस चीज़ के लिए इनवाइट कर रहा था? पार्टी के लिए, टी पार्टी के लिए, बैचलर्स पार्टी के लिए या लेमनेड पार्टी के लिए? दैट्स ऑल फॉर नाउ. स्टे कूल एंड हैप्पी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर इन द कमेंट. थैंक यू सो मच एवरीबडी. टूडल्स, टेक केयर. सायोनारा.